हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से झुलसी दो महिलाएं, प्राथमिक उपचार के बाद किया अहमदाबाद रेफर। शहर के देवड़ा कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में दोपहर करीबन 3 बजे दीपावली को लेकर घर की सफाई कर रही दो महिलाएं छत पर काम कर रही थी। उसी दरमियान छत के ऊपर से गुजर रहे 33 केवी की दो हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिन्हें सुमेरपुर में निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अहमदाबाद के लिए रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार महिलाओं में रमीला देवी सुथार और एक घर में काम कर रही कांता देवी मीणा भी चपेट में आई, जिसकी सूचना रह वासियों द्वारा प्रशासन को मिलने पर तुरंत प्रभाव से विद्युत की सप्लाई बंद करवाई गई और विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सहित नगरपालिका प्रशासन मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। वहां पर मौजूद कॉलोनी वासियों ने बताया कि इसी कॉलोनी में करीबन 3 से 4 हादसा हो चुका है, लेकिन आज दिन तक प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन की घोर लापरवाही नजर आ रही है। ऊपर ऐसे भी सफाई कर रहे थे, दीपावली की सफाई कर रहे थे, तो ऐसे भी ऊपर दो अपने ऊपर ऐसे भी चढ़े ऊपर मकान के ऊपर, तो साफ सफाई कर ही रहे थे, न जाने कैसे करंट आ गया। तो लोग ऐसे भी अभी अहमदाबाद रेफर कर चुके हैं उनको, और इतने अपने जैसे घर वाले भी इतने परेशान है ना, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बहुत परेशान है। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।